ये कैसे रो रहा है? इसको चढ़ाते हैं ऊपर, इसको ऊपर चढ़ाते हैं। ये लो जी, तो हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय न्यू ब्लॉग। और ये हमारे चाचा जी आए हुए हैं, आज बड़े दिनों बाद घर पे आए हैं चाचा जी। और ये हमारा छोटा ब्लॉगर, हेलो गाइस। तो अब ये ब्लॉग बनाएगा जी, गाइस अब ये ब्लॉग बनाएगा। हमारे दादाजी आए हैं, मम्मा लोग देख रहे हैं हमारे। ओलिव बेड के नीचे, ये वाले बेड के नीचे है गाइस। गाइस मैंने क्लास लगाई थी आज, ये वाली लगाई थी मैंने। और ये देखिए मेरा सामान पड़ा है यहाँ पर कितना सारा। जो वो वाला बैग है ना, वो ईशान का बैग है रेड वाला। और जो ये वाला बैग है ना, ये वाला साइड पे पड़ा हुआ है, वो मेरा है। वो पड़ रहा है ईशान का। और मैं जा रहा हूँ बाहर। हाँ, बहुत चाचा जी आ चुके हैं काजली में। और ये काजली हमारी न्यू काजली बन रही है। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं इसका वीडियो। काजली सारी अपग्रेड हो रही है न्यू। ये हमारे इसको बोलते हैं काजली वेटलैंड। होली रिवर इसलिए, ये गुरु नानक देव जी ने इस नदी में डुबकी मारी थी और तीन दिन बाद बाहर निकले थे। ये जी अभी तो पानी बहुत कम है जी, ये तो इसका ये वाली सारी पौड़ियाँ डूबी होती है पानी में। ये पत्थर तक पानी आता है जहाँ पे ये डोगी का बच्चा है ना, वहाँ यहाँ तक पानी होता है। अभी इसकी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए पानी कम किया हुआ है इन्होंने। रो रहे हैं कदम ऊपर चढ़ रहा, तो गाइस इसने ऊपर चढ़ना तो ये कैसे रो रहा। इसको चढ़ाते हैं ऊपर, इसको ऊपर चढ़ाते हैं। ये लो, love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal.
और ये बारिश ये टीनों पे बहुत अच्छी लगती है, आवाज आती है। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। So guys, मैं तो गाइस ये हमारा मंदिर। सो गाइस ये साग की तैयारी हो रही है, ये काटी जा रही है पत्ता गोभी। अब बनाना कैसे है इसको? वैसे जैसे साग बनाते हैं वैसे ही, जैसे साग बनाते हैं वैसे ही मक्की का आटा डाल के बनाना है। मक्की का आटा डाल के तो बाद में वैसे ही साग से भी ज्यादा टेस्टी बनता, और इसको बाद में वैसे ही तड़का लगा के साग जैसे साग खाते हैं तड़का लगा के। तो गाइस इसकी आवाज कम है मैं बताता हूँ, वो बोल रही है इसको दोबारा ट्राई कर, आप भी ट्राई करना और रेसिपी बहुत अच्छी और काफी टेस्टी कहती लगती है। तो गाइस ये रणधीर है, ये शाम के दोस्त, ये सभी होली से खेलते हैं आते हैं आजकल होली से खेलने के लिए। बीबू मौली और प्रणव देखो अकेला कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपने किसी फ्रेंड को नहीं पूछ रहा वो। और ये होली अपना खाने के बर्तन के साथ लग गया खाना खाने के लिए, दही खा रहा है ये दही। तेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है सबको। मैं कॉफी पी रहा हूँ जो कि तो गाइस प्रणव का मूड नहीं है इस टाइम बोलने का, और प्रणव की दादी बैठी हुई है अपना बच्चा लेकर। ये देखो उसको रुला दिया उसने, उसकी कोक छीन ली उसको रुला दिया। ये देखो छोटे ब्लॉगर को रुला दिया इसने बड़े वाले ने। तो गाइस सभी बच्चों के लिए लाए हम माजा, माजा ये बना तो रहे हैं बेटा, ये तो चैलेंज व्लॉग नहीं, ये माजा आपके लिए सभी के लिए, एक 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 ईशान की, एक प्रणव की, एक बिबड़ू की, एक रणधीर की, रणधीर के लिए भी है लाए है, तीन चार पांच लेकर आए हैं। और ये रेड लेस किसने मंगवाया? प्रणव ये ले रेड लेस, ये आप बांट के खा लेना जिसने खाना। बन ही गया है, अभी वो आटा डालेंगे फिर उसके बाद तैयार हो जाएगा। और ये हमारे स्वीट कॉर्न तैयार हो रहे हैं, और बच्चों ने बर्गर के लिए सामान सारा रेडी हो गया, और अभी स्वीट कॉर्न का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा। और ये हमारा बीबू बच्चा बना रहे हैं। मम्मा का साग रेडी होने लगा है, और हम बीबू और मैं जाके बारिश में जाके इतनी मेहनत से सामान लेके आए हैं बर्गर का। So guys, साग निशा का तैयार हो रहा, और इधर निशा ने तड़का भी रख दिया। So guys, हमारे ब्लॉगिंग चैनल में आपको एक न्यू रेसिपी दिखाई है, और न्यू रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी रेसिपियां और ब्लॉगिंग, हमारी ब्लॉगिंग और ऐसी रेसिपियां आपको बताते रहें। सो गाइस निशा के साग बना लिया, और ये हमारा साग बनके तैयार हो गया। ये देखो ये बिल्कुल वैसा साग है जैसा सरसों का साग होता है, और इस साग को आप भी ट्राई करो। साग आपको दिखाया,
तो गाइस ये भी देखो मक्की की रोटी वाइट कलर की, वाइट मक्की का आटा आता है, ये हमारे यहाँ मिलता है हिमाचल में मिलता है ना, हिमाचल में मिलता है वाइट कलर की मक्की है ये देखो, और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा। तो गाइस अब हम खाते हैं खाना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना। आई होप आपको हमारी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो भी शायद अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल सुबह न्यू ब्लॉग में, हम खाना खाते हैं। सभी भाइयों का राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो सभी बच्चों को प्यार।